हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी ये हमने कुकर में बनाई है बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपके रेगुलर में जो मसाले यूज़ करते हैं ना उसी से हमने इसे बनाया है आप इसे पूरी के साथ में खा सकते हैं चावल के साथ में भी खा सकते हैं और ना ही आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ हमने चार आलू लिए थे जिसे मैंने काट कर दो का इस तरीके से रखा है साथ ही यहाँ मैंने तीन टमाटर लिए हैं जिसे मैंने रफली काट लिया है यहाँ ही हमने दो बैंगन लिए हैं इसे हम काट कर तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसके जो टॉप है इसे हम हटा देते हैं और इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और ऐसे हम काट कर सभी तैयार कर लेंगे और पानी में डालते जाना है वरना ये काले पड़ जाते हैं देखेंगे आप इसमें बीज बहुत माइनर हैं बैंगन आप जब लेना ना तो उसे चेक करके लेना वो हल्का सा नरम होता है ना तो उसमें बीज बहुत कम होता है तो बैंगन को हम इसी तरीके से काट कर दिया कर लेंगे और इसे धो लेते हैं और अच्छे से या हमने कुकर लिया है कुकर में हम डालेंगे ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा यह हमने दो तेज पत्ते लिए हैं जिसे हम इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में इसमें हम डालेंगे दो से तीन पिंच हींग यहाँ जाएगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने टमाटर काट के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे यहाँ आपको टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है बस उसे आपको हल्का सा सॉफ्ट करना होता है फ्लेम को आप मीडियम रखना और यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं आप इसे इस तरीके से चलाएंगे ना तो भी पता चलता है और ऐसे भी चेक कर सकते हैं और अब यहाँ पर जो हमने बैंगन और आलू को काट के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे पानी हमने इसका अलग कर दिया था इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं डलता है सब्जी के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक नमक थोड़ा सा कम डालना क्योंकि बाद हम में हमें इस इसमें काला नमक भी डालना है मिला लेते हैं इसे और इसे भी आपको बस हल्का सा मिलाना है इसमें ज्यादा इसको भूनना भी नहीं होता है और इसको हम ढक्कन लगा देते हैं मीडियम फ्लेम पर आपको इसमें लगानी है दो सीटी बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है इसको मसालों में एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है आमचूर पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है लाल मिर्च पाउडर अब यहां पर आपको लेना है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है गरम मसाला यहाँ आपको लेना है आधा चम्मच से थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर एक चम्मच कसूरी मेथी तो यह मसाला तैयार है सब्ज़ी में दो सीटी आ गई थी उसके बाद हमने बंद कर दिया था वापस से आपको गैस को ऑन करना है और ये मसाले हम इसमें डाल देंगे देखिए सब्ज़ी में हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था ना इसमें खुद ही इतना पानी होता है कि इसी में अच्छे से पक जाती है अब आपको सब्ज़ी को लो फ्लेम पर अच्छे से इसी के साथ में भूनना है मिलाते वक्त ध्यान रखना हल्के हाथ से मिलाना ताकि ये जो आलू है वो टूटे ना सब्जी आपको कितनी बनानी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मसाले इसी तरीके से डालना ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी रेगुलर में जैसे आप बनाते हो ना उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी आलू भी देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पके हैं कच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं और इतना भी नहीं करना है कि वो हल्का सा चलाने पर ही उसी में मैश हो जाए और आपको इसे तब तक धीमी गैस पर करना है जब तक कि सरफेस पर इस तरीके से ऑयल नहीं दिखने लग जाता इसी से पता चलता है कि सब्ज़ी अच्छे से बुन गई है मसाले पक गए हैं लास्ट में फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इसे मिला लेते हैं हल्के हाथ से और गैस को हमने बंद कर दिया है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है कलर कैसा है खुशबू टेस्ट बहुत अच्छा आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा इसे बनाने के लिए जो भी मसाले हमने यूज़ किए हैं वो आपकी किचन के रेगुलर मसाले हैं बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है उन्हीं मसालों से बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है तो इसे हम सर्व कर लेते हैं आप इसे दीपावली पर पूड़ियों के साथ में या फिर गोवर्धन पर बना सकते हैं बट आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए उसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेलकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दिवाली से रिलेटेड अभी और भी रेसिपीज मेरे चैनल पर हैं वो आप देख सकते हैं थैंक यू